हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है नेक्स्ट 48 आवर्स। नेक्स्ट 48 आवर्स में हम देखेंगे आपके पर्सन का आपकी तरफ क्या एक्शन हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या सोच रहे हैं आप और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, हम दोनों की करंट फीलिंग्स निकालेंगे और आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन हम देखेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। तो जो भी लोग मैरिड कपल हैं या कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या सिंगल हैं बट अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है, सेपरेशन में है या नो कांटेक्ट में है, वो सभी लोग इस रीडिंग से गाइडेंस ले सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें रखिए, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें उन्हें जाने दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकती हैं। सो कीप एन ओपन माइंड, लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह मैं कुछ डेक्स यूज़ करूँगी और उन डेक्स को मैं दो दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स क्या फीलिंग हो सकती है, प्लीज गाइड कर एंजल्स मेरे व्यूअर्स मेरे राइट साइड में और उनके पार्टनर्स मेरे लेफ्ट साइड में। क्या चल रहा है इन दोनों के दिल दिमाग में, आने वाले 48 आवर्स में क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स इस तरफ और आपके पार्टनर्स इस तरफ, राइट। 1 2 3 4 5 बॉटम ऑफ द डेक है आपके पास 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन के लिए 1 2 3 4 5 बॉटम ऑफ द डेक है द मून। इमोशंस हाइड कर रहे हैं, अगर मिस कर रहे हैं तो भी हाइड कर रहे हैं, फीलिंग्स छुपा रहे हैं, अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, क्लियरली ये दिख रहा है। ये भी पता चल रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो भी ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बातचीत होगी, ज़्यादा नहीं। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओके, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। करंट एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर्स की। 1 2 3 4 5 5 ऑफ कप्स। क्यों सैड हो, ब्रेकअप से सैड हो, या तो हर्ट किया है, चीट किया है, आपको धोखा मिला है, या कमिटमेंट नहीं मिल रही है, ये रीजंस दिख रहे हैं, या थर्ड पार्टी के वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रहे हैं आप सब। मेरे व्यूवर्स पॉजिटिव रहिए, इतना नेगेटिव ना होइए, बी पॉजिटिव। देखते हैं आपके पर्सन की तरफ क्या कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 मूव ऑन करना चाहते हैं किसी सिचुएशन से, 1 2 कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आपसे ही मूव ऑन किया हुआ हो, मैरिड हो सकते हैं, अगर थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है तो ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड है साथ में, ये वापस आना चाहते हैं। इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं आपके लिए, फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस या कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ये इनकी एनर्जी में आया है, बॉटम की एनर्जी में। ज़्यादातर मैं बॉटम की एनर्जी से हमेशा ही कार्ड्स देखती हूँ ताकि पता चले चल क्या रहा है। सो ये कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं देखूँगी कि आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या निकल कर आता है। एक बार शफल कर लूं। खुश तो नहीं है,
एक्शन का वेट कर रहे हैं आप सब. लेट्स स्टार्ट. दिस इज माय लास्ट शफल एंजल्स. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. हर बार आपकी तरफ विक्ट्री का कार्ड आता है और मेरे व्यूअर्स बहुत जल्द जीतेंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जहाँ भी आप स्टक हैं. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स्थ चक्रा. विजन क्लियर हो रहा है, देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम अपने व्यूअर्स की एनर्जी चेक करेंगे फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स. आपके दिल दिमाग में क्या चलने वाला है ताकि आपको पता चल सके कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी रही है या नहीं. नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वैंड्स. यहाँ पे सेजिटेरियस, एरीज, लियो बहुत स्ट्रांग है. फिर हमारे पास कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है. हो सकता है आपका सन साइन या मून साइन हो सकता है. अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, सिक्स ऑफ कप्स, द हर्मिट, फाइव ऑफ वैंड्स, दो बार आ चुका फाइव ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ वैंड एंड डेथ. यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई है, सभी साइंस हैं. ओके, तो मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स क्या रहने वाली है, करंट एनर्जी आने वाले 48 आवर्स में. यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी तरह के मैनिपुलेशन के बीच में हैं. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स में हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, साथ ही साथ फैमिली इश्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं. यहाँ दो दो अलग डेक से फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, मतलब आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों का है. या तो आप दोनों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है, उसी बीच आपके लाइफ में और भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑब्स्टिकल्स फाइनेंसेस को लेकर हों, चाहे वो ऑब्स्टिकल्स अपनी फैमिली की तरफ से हों. लेकिन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी पावर में हैं और आप इन सब ऑब्स्टिकल्स को कट ऑफ करना जानते हैं. किसी न किसी तरह से आप इन सभी ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकलना चाहते हैं. किसी तरह का फियर है, किसी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी है. हो सकता है अगर आप सिंगल हैं तो फैमिली आपके पीछे पड़ी हो शादी को लेकर, या रिश्ते आ रहे हों, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं इन सब चीज़ों से, या आपके रिलेटिव्स आपके पीछे हों. किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है. साथ ही साथ आप इनसिक्योर रहने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन किसी सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो. आप वेट कर रहे हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को. आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप है भी या ख़त्म हो चुका है. मतलब आप अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है आपको कि क्या आपके रिलेशनशिप में एंड हो चुका है, क्या वो वापस आएंगे, क्या उम्मीद रखूं या अपने लाइफ में आगे मूव ऑन करूं. मूव ऑन करना भी चाहें तो भी आप नहीं कर सकते क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है. आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है. आप जैसे ही मूव ऑन की सोचते हो या तो वो आ जाते हैं, या तो उनका मैसेज आ जाता है, या तो वो अनब्लॉक कर देते हैं, या तो आप दोनों मूव ऑन कर ही नहीं पाते हैं. क्यों? क्योंकि आप दोनों स्टक हैं एक दूसरे पर, चाह के भी मूव ऑन नहीं कर सकते. इस तरह की एनर्जी है. ये सब चीज़ें आपके दिल दिमाग में चलने वाली हैं. आप इमोशनली उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो. समटाइम्स आप सोचोगे कि शायद आप उन्हें मैसेज कर दो या उनका हाल चाल ले लो या कहीं से कॉल कर लो, लेकिन फिर आप रुक जाते हो. आप अपने आप को आइसोलेट करके रखे हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन आप सब कर रहे हो, लेकिन आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, चाहे अननोन नंबर से या किसी भी नंबर से. आपने बहुत पेशेंस रखना है और आपने रखा हुआ है. इस तरह की एनर्जी आपकी दिख रही है आने वाले 48 आवर्स में. देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी निकल कर आ रही है आने वाले 48 आवर्स में. फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टेन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टू ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, आपका या आपके पर्सन का सन साइन मून साइन हो सकता है। फिर यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, नाइन ऑफ वैंड्स, आप भी इनसिक्योर हो और ये भी इनसिक्योर है। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, आप इनसिक्योर हो कि ये आपकी तरफ आएंगे कि नहीं आएंगे, और ये इनसिक्योर है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर लिए। क्या एनर्जी निकली है। किंग ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों में, फिजिकल अट्रैक्शन, लुक्स पे अट्रैक्शन, आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। द हाई प्रीस्टेस, हो सकता है कल्चर डिफरेंस हो, कास्ट डिफरेंस हो, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो, या यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या तो आप थर्ड पार्टी में हैं या तो ये थर्ड पार्टी में है, किसी न किसी का मैनिपुलेशन है, चाहे फैमिली हो चाहे कोई पर्सन हो। आपकी तरफ भी आया था फाइव ऑफ कप्स, आप सैड एनर्जी में थे, और इनकी तरफ भी आया है फाइव ऑफ कप्स, ये भी खुश नहीं है। तो यहाँ पे सभी साइंस हैं, ऑल साइंस। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले 48 आवर्स में ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं आपको लेकर। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, या कहीं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे अगर ब्रेकअप किया है या नो कॉन्टैक्ट में है, या किसी बात को लेकर आप दोनों में बहस हुई है लास्ट, जब भी आपकी लास्ट बात हुई हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अब इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप इनका हालचाल नहीं ले रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है। बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं ये आने वाले 48 आवर्स में, ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, सैड भी होंगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, ये बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बीच में कोई पर्सन है जो कि इन्हें रोक रहा है। बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है, बहुत डोमिनेटिंग हो सकता है, या तो ये इनके हस्बैंड वाइफ हैं या फिर इनके पेरेंट्स हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ ही बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, कम्प्लीशन आप ही के साथ है इनके लाइफ में। मतलब ये अगर किसी और के साथ भी हैं तो ये इनकम्प्लीट फील करते हैं, ये आपके साथ ही कम्प्लीट फील करेंगे। आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं आपको लेकर। क्लियर कम्युनिकेशन आपसे हो सकती है, सक्सेस आपकी तरफ चाहते हैं ये इस रिलेशनशिप में, बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं, और इनका इंट्यूशन इनको ये स्टेप लेने के लिए गाइड भी कर रहा है, राइट? सो ये इनकी एनर्जी में निकल कर आया है। अब हम देखते हैं आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे को लेकर, ये आपकी फीलिंग्स और ये आपके पर्सन की फीलिंग्स, ठीक है? ये आपकी फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर, और ये इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ठीक है? नंबर 39, फिफ्थ चक्रा। नंबर 26, हॉस्टिलिटीज। नंबर 37, थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस। नंबर 3, नंबर 11, कॉर्नोकोपिया। नंबर 46, द थिंकिंग मैन। नंबर 15, अप्रिशिएशन। नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस। एंड नंबर 28, विक्ट्री। सो ये आपकी दिल दिमाग में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर, ठीक है? आप क्या फील कर रहे हो उनको लेकर? आप चाहते हो कि वो बातचीत करें आपसे, और कुछ करे या ना करे, फिलहाल बातचीत ही कर ले, इतना ही काफ़ी आपके लिए फ़िलहाल के लिए। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, बिल्कुल भी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या बहुत कम बातचीत हो रही है, या अगर अनब्लॉक भी हैं आप दोनों तो भी लेस कॉन्टैक्ट है, इग्नोर कर रहे हैं आपको, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप जानना चाहते हैं कि ये ऐसा कौन सा गहन अध्ययन कर रहे हैं जिन इनके पास एक मिनट नहीं है आपके लिए, मतलब ऐसी किस सोच में पड़े हुए हैं आपके पर्सन। आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप को लेकर ये सीरियस हों और कोई ना कोई स्टेप लें, आप चाहते हैं कि ये एक्शन ले आपकी तरफ। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, अगर इन्होंने आपसे कोई प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में, कोई वादा किया था, तो वो निभाएं। आपको ये अट्रैक्शन, कई बार ऐसा फील होता है कि ये सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड है, या आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन है, या आपके लुक से अट्रैक्शन है, या सच में ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या ये सीरियस हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर। समटाइम्स आपको इनके इंटेंशंस पर भी डाउट हो जाता है, क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट में आपको डाल देते हैं,
तो आप सोच में पड़ जाते हो कि क्या सच में आप इनके लाइफ में वैल्यू करते हो, क्या आप इनके लाइफ में आपकी कोई प्लेस है, क्या इनको फ़र्क पड़ेगा आपके रहने न रहने से। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हीलर ऑफ द एजेस, आप चाहते हैं कि ये आपके सारे जख्मों पर मरहम लगाएं, यही लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता, मतलब इस तरह की एनर्जी। कि आप जितना भी हर्ट हुए हैं, आप जितना भी सैड हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके में वो पावर है कि वो आपके उन दुख दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, थर्ड चक्रा ब्लॉक्ड है। सक्सेस, आपका सिर्फ एक एम है कि अब इस रिलेशनशिप में बातचीत भी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो और सक्सेस मिले। ये सब आपके दिमाग में चल रहा है अपने पर्सन को लेकर। अब हम देखते हैं कि उनके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। द सन, बेहतरीन कार्ड। नंबर 30, गार्डन एंड द गेट। नंबर 33, डोर टू रोमांस। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24, ये डोर पे ही रहेंगे, कभी आगे अंदर नहीं आएंगे, इस तरह की एनर्जी इनकी। स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, खड़े हैं गार्डन में। वॉकिंग अवे, अभी मैंने आपसे कहा इनको लग रहा है कि आप वॉक अवे कर लोगे या मूव ऑन कर लोगे, काफ़ी इनसिक्योर हो रहे हैं ये। फर्स्ट चाक्रा आर्कएंजल माइकल, सेवेंथ चाक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड सिक्स्थ चाक्रा आर्कएंजल मैट्रॉन। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर फोकस अपने काम धाम पे हैं। अगर ये मैरिड हैं तो ये मैरिड लाइफ में भी हैप्पी नहीं है। इनका बेस चक्रा पूरा हिला हुआ है, एकदम बिल्कुल भी इनका बेस चक्रा पूरी तरह से ब्लॉक दिख रहा है। इनका सिक्स्थ चक्रा, इनका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, क्राउन चक्रा रिप्रेजेंट बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, चाहे पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, जिसके साथ हैं वहाँ भी खुश नहीं हैं, आपसे भी दूर हैं। बहुत सारी चीज़ें इनके दिल दिमाग में चल रही हैं। अगर आपसे इन्होंने कोई बहस कर दी है या आपसे इन्होंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया है तो अब ये भी सोच रहे हैं कि वापस किस मुँह से आऊँ, इस तरह की एनर्जी है। फिर अभी इन्हें ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे वॉक अवे तो नहीं कर रहे हो, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, इनसिक्योर हो रहे हैं। नाइन ऑफ वैंड्स विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया था वॉक अवे करने का सिचुएशन, और यहाँ से भी ये क्लैरिफाई हो गया कि इनके मन में इतना चल रहा है आपको लेकर कि कहीं आप इनसे दूर ना हो रहे हो, कहीं आपके लाइफ में कोई और ना आ रहा हो। इंतज़ार कितना कोई करेगा, एक दिन, दो दिन, एक महीना, दो महीना, एक साल, दो साल, कितना, मतलब एक तो लिमिट होती है, तो अब इन्होंने वो लिमिट क्रॉस कर दी है। अब इन्हें लग रहा है कि अगर अब मैंने एक्शन नहीं लिया तो ये आपको खो देंगे, और अब ये हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं निकलती है ये आपको थोड़ा थोड़ा, जैसे होता है ना कि बात कर लिया, किसी तरह का जेस्चर कर दिया ताकि आप हैंग्ड रहो, आप मूव ऑन ना करो, तो ये वही कर रहे हैं। जब इन्हें लगता है कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा अति कर दी है, तब ये धीरे से आपको अनब्लॉक कर देते हैं और एक आध मैसेज चिपका देते हैं ताकि आप खुश हो जाओ और आप कुछ दिन और इनको दे दो ये सब प्लानिंग स्ट्रेटजी प्लॉटिंग करने के लिए। तो ये इनके मन में चल रहा है आपको लेकर। अब मैं देखती हूँ कि आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इनकी तरफ से। क्या ये वापस आएंगे आपकी तरफ, कॉल मैसेज होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। टाइमलेस रीडिंग है, मैं आपको बता दूं, जब भी जिसके सामने ये रीडिंग आएगी उनके आने वाले 48 आवर्स से रेजोनेट करेगी। प्लीज़ गाइड करें क्या होने वाला है आने वाले 48 आवर्स में, प्लीज़ गाइड करें। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 48 आवर्स में जिसका भी टोटल सिक्स हो, चाहे वो सिक्स आवर्स हो, चाहे वो 15 आवर्स हो, चाहे वो 24 आवर्स हो, चाहे वो 42 आवर्स हो, 48 के अंदर जिसका भी टोटल सिक्स होता है, कुछ ना कुछ आपके लाइफ में होगा आपके पर्सन की तरफ से। नंबर 4, फर्म फाउंडेशन। नंबर 5, द हेरोफेंट। नंबर 3, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड नंबर 9, मटेरियल हार्वेस्ट। प्लीज़ गाइड करें। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में।
अगेन नंबर सिक्स, नंबर सेवन, नंबर फोर, क्राउन चक्रा अगेन। देखिए मूव ऑन का कार्ड आया है, क्यों आया है ये नंबर सिक्स मूविंग ऑन, ये इसलिए आया है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एम्प्रेस, एम्प्रेस एनर्जी है, थर्ड पार्टी जो भी हो आपके लाइफ में, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे उनकी वाइफ हो, चाहे उनके पेरेंट्स हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, जो भी थर्ड पार्टी है, उनकी वजह से ये आपसे डिस्कनेक्ट हुए हैं और आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन करेंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये आपसे हाइड कर रहे हैं, आपसे अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, कैसे निकलना है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, कैसे बाहर निकलना है और सिचुएशन को आगे चल के कैसे बैलेंस करना है, ये चलने वाला है। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आया है मूविंग ऑन का कार्ड। लेट्स क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपको खोना नहीं चाहते किसी भी हाल में, इन्हें डर है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लो। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, देखिए टू ऑफ सोर्ड्स पावर में आएंगे और दो में से एक सिचुएशन, एक तरफ आप हैं एक तरफ थर्ड पार्टी है, दो में से एक सिचुएशन, एक तरफ आप हैं स्पिरिचुअल यूनियन, एक तरफ डेविल है, ट्रूथ इनके आगे है, इनको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, उसकी तरफ ये पॉजिटिवली बढ़ेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स एक फर्म फाउंडेशन, एक सॉलिड फाउंडेशन आपके साथ बनाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, पावर में आके ये डिसीजन लेंगे, राइट। नाउ क्लैरिफाई द हैरोफेंट, हैरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, जस्ट अ सेकेंड, हैरोफेंट का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में, द हैरोफेंट रिप्रेजेंट मैरिज, क्यों आया है, डेस्टिनी में है, फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी एंड मैरिज, फोर ऑफ वैंड्स, पेशेंस, वेरी नाइस। शादी का कार्ड आया है नेक्स्ट एक्शन में, अभी फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन डेस्टिनी में आप दोनों की मैरिज है और आप दोनों की शादी होगी, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बट शादी यहाँ पे होगी, चाहे ट्रेडिशनल वे में हो चाहे कोर्ट मैरिज हो, पेशेंस रखना है, राइट। इसलिए आया है द हैरोफेंट, डेस्टाइंड है आप लोगों की शादी, कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखना है। सो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिए हैं, इस समय पूरी तरह से अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं, पूरी तरह से ध्यान इस समय इनका करियर, इनकी ग्रोथ, इनके लाइफ, इनके स्टेबिलिटी पर है, तो अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लाइफ में ये नेक्स्ट एक्शन में से कुछ भी हो सकता है, जो भी मैंने बताया, 48 आवर्स में आपके पर्सन इस तरीके की एनर्जी में रहने वाले हैं, कमिटमेंट भी मिल सकता है, थर्ड पार्टी से बाहर निकल सकते हैं, किसी तरह का कॉल मैसेज आपको आ सकता है, आपके लिए सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स की तरफ से देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ज़्यादा नहीं, मैं थ्री कार्ड्स लूँगी, ये भी आना चाह रहा है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपकी बातचीत होती है तो क्लियर कम्युनिकेशन करें। एंड हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, रिकवरी, कुछ ना कुछ बेहतर होगा सिचुएशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनिए, पॉजिटिव रहिए, इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर किसी की हेल्थ इश्यूज़ हैं तो इम्प्रूव होगी, फाइनेंसेस को लेकर अगर बहुत ज़्यादा परेशान है तो फाइनेंसेस को लेकर भी विद इन 48 आवर्स आप में से कई लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, हेल्थ को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, साथ ही साथ अपनी हेल्थ का ध्यान भी दें, किसी की हेल्थ ख़राब भी हो सकती है, हेल्थ के लिए कार्ड आया है। कम्युनिकेशन हो सकता है, रिकवरी होगी सिचुएशन, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग आज के लिए, अगर आपकी सिचुएशन रेजोनेट होती है ज़रूर कमेंट करें,
आने वाले 48 आवर्स में अगर आपसे ये नेक्स्ट एक्शन रेजोनेट होता है ज़रूर मुझे याद करिएगा। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।